नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के नालछा के ग्राम चैड़ीपुरा में ग्रामीण लंबे समय से पीने के पानी के लिए गहरी खाई में उतरकर जान जोखिम में डालते हुए पीने की पानी की जुगत में लगे हुए थे। इस खबर को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने इस समस्या के निराकरण के आदेश दिए थे। पीएचई विभाग की टीम, राजस्व की टीम मौके पर पहुंची थी। विधायक पाचीलाल मेड़ा भी मौके पर पहुंचे थे और इस समस्या के निराकरण करने के 3 दिन में निर्देश दिए गए थे। आज आपको बता दें कि नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई, उसमें 30 से अधिक घरों में नल कनेक्शन चालू हो गए हैं। सभी परिवारों के नल कनेक्शन में पानी भी आना प्रारंभ हो गया है। जब लोगों ने घर आंगन में पानी देखा तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते हुए ग्रामीणों के घर आंगन में नलों से पानी बहा। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग और मीडिया को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि हमें गहरी खाई में अब नहीं उतरना पड़ेगा, नहीं पहाड़ों से बूंद बूंद पानी झेलना पड़ेगा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। पानी की समस्या दूर हो गई? हाँ, हो गई। आधा किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता था, तो अभी पास में हो गया और नल लग गया और अभी कोई यानी तकलीफ, अभी नल लग गया। मेरा नाम संगीता है और ग्राम चाइड़ीपुरा से है हम। और पहले जो हमारे गांव में जो पानी की समस्या बहुत थी, अधिक से अधिक परेशानियाँ बहुत थी, जो पानी नहीं मिल रहा था और बहुत से तकलीफें आती थी। लेकिन अब जो जो हमारे जो सहायता करने वाले जो भैया, उन्होंने मदद की, हमारे गांव में नल लगवाए और चर्चा करके हमारे गांव में सुविधा भी करवाई, पानी भी हमारे यहां पे घर पे नल आ गए और पानी की बहुत बहुत सहायता हो गई। पहले तो बहुत बूंद बूंद के लिए हम लोटा भर भर के पानी की समस्या थी, पर अब दूर हो गई है और पानी आ गया हमारे गाँव में और नल की वो कंडीशन भी हो गया, टोटी लग गई है। इसके बाद में वो जिसे इसी वाले आए थे, उन्होंने दौड़ भाग के व्यवस्था कर दी हमारे यहाँ पे, और लाइन लग गई पानी की, मतलब अच्छा व्यवस्था कर दी है, मतलब पानी मिल रहा है हमको, थोड़ा अच्छा मिल रहा है, अब इतनी दिक्कत नहीं हमको। पानी पर्याप्त है ना? हाँ, पर्याप्त है पानी। भैया पीएससी वाले, उनको भी धन्यवाद है, और भैया पेपर वाले आए थे, उनका भी धन्यवाद है, मतलब इन्होंने अच्छा काम करा था हमारे लिए, बढ़िया काम करा था। भैया आपके यहाँ जो पानी की समस्या दूर हो गई? जी सर, वही दूर है। हम किराना जाते थे जेरी से पानी लेने, तो वो समस्या दूर हो गया। नल पीएससी वाला है, नल लगा दिया, मोटर चालू हो गई है, वो समस्या नहीं है अपने पास। हमारे पानी की पूरी फुल व्यवस्था हो गई भैया सर, तो कोई तकलीफ नहीं पानी की, अब पर्याप्त पानी है। पर्याप्त पानी। क्या नाम आपका? रूप सिंह। धार जिले के नालछा क्षेत्र में कई सालों से पानी की समस्या थी ग्रामीणों को, जी उसके लिए क्या प्रयास थे? धार जिले के अभी जो लेटेस्ट में न्यूज आई थी, नालछा ब्लॉक के नालछा ग्राम पंचायत के चाड़ीपुरा बसाट की थी, जहाँ पे हमारे विभागीय मापदंड अनुसार कुल 5 हैंडपम्प स्थापित थे। मजरे की कुल आबादी करीब 175 के आसपास है तथा उसमें करीब 30 घरों की संख्या है। वहाँ पे हैंडपम्प भी चालू थे और अभी वर्तमान में कुंड के माध्यम से, कुंड में 5 HP का मोटर पंप स्थापित कर पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय चालू करवा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को राहत भी मिली है। नालछा के मुख्य ग्राम में नल जल योजना का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है और जो भी समस्याग्रस्त विलेजेस थे उसमें हम लोग प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर काम कर रहे हैं। वह यहाँ पर वर्ष 2018 के बाद में पेयजल परिवहन की स्थिति बनी नहीं है, ये भी जो समस्या बनी थी उसमें उसका निराकरण कर दिया गया, जिससे ग्रामीण भी संतुष्ट हैं। और नवीन नलकूप खनन की भी, जहाँ पे हम लोगों को जिन बसाहटों में आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे नवीन बसाहटें बन गई, वहाँ पे हम लोग नवीन हैंडपम्प खनन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में जल स्तर जाने से हैंडपम्प बंद हो गए हैं, वहाँ पर हम लोग सिंगल फेस मोटर पंप की स्थापना भी कर रहे हैं, जिसके हमारे पास में पर्याप्त संख्या में उपखंड में भी उपलब्ध हैं और सेंट्रल स्टोर में भी उपलब्ध हैं।